अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, न्यू व्लॉग के साथ मैं हूँ इकरा हुसैन शेख। और आज का व्लॉग है, इनफैक्ट मैं अभी जो है ना अपने स्विम क्लास के लिए जा रही थी, मैंने कहा मैं व्लॉग जो है स्टार्ट करती हूँ। आप में से काफ़ी लोग जो कि सलाला बेस्ड हैं वो इस बारे में व्लॉग चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज डिस्कस करते हैं। मैं स्विम स्कूल ज्वाइन किया एक्वाटॉट्स, जो कि सिर्फ मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरी नीस जो अमीरा है मेरी भतीजी, उनके लिए भी ज्वाइन किया है। और फर्स्ट अभी उनकी क्लास होगी, उनकी क्योंकि एज कम है तो उनके साथ में किसी न किसी पेरेंट या गार्डियन को जाना ही पड़ता है पूल में। और जो ट्रेनर हैं वो फिर उनको उस लिहाज से आपको बताते हैं कि आपने इनको कैसे ट्रेन करना है। और फिर आती है मतलब मेरी क्लास, हम लोग जो हैं तकरीबन चारों के चारों मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जिनके साथ एक ट्रेनर जो है फीमेल ट्रेनर, क्योंकि हमने फीमेल ट्रेनर को ज्वाइन किया हुआ है तो हमें जो है अलॉट कर दी जाती है, फिर वो हमें ट्रेन करती है। अब तक मेरी जो हैं 7 क्लासेस हो चुकी हुई हैं और 7th क्लास तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मैं वो बंदी हूँ जो कि एक्चुअली मुझे पानी से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे क्योंकि स्विमिंग आती नहीं थी इसकी वजह से मैं पानी से कोशिश यही करती थी कि दूर दूर रहूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डूबूंगी तो मैं ख़ुद को बचा नहीं सकती हूं, क्योंकि बॉडी वेट आप बैलेंस नहीं कर पाते वाटर में। हालांकि मेरे अंदाज़े में मेरे व्यूज़ टोटली गलत थे, बिकॉज अभी जैसे मैंने सीखना शुरू किया है तो इन्होंने फर्स्ट क्लास से अब तक जितने एंगल्स, मोमेंटम और जिस तरह से आपने वाटर में मूवमेंट करनी है, जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं वो काफ़ी ईजीएस्ट वे में बताए हैं। सेकेंडली क्योंकि मैं जो है ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड स्कूल टाइम में मैंने स्विमिंग इसलिए नहीं सीखी, पहले तो यहाँ स्विम स्कूल का ऑप्शन नहीं था सलाला में, क्योंकि सिर्फ रिजॉर्ट्स वगैरह में ही ट्रेन कर रहे थे। सेकेंडली ट्रेनर्स मोस्ट ऑफ द टाइम मेल होते थे और हम मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। तो अभी यहाँ एक्वाटॉट्स में फीमेल ट्रेनर्स हैं, जिसकी वजह से मैंने जो है बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा, जैसे मुझे पता लगा कि ये लोग सलाला में आ चुके हुए हैं तो मैंने इनको ज्वाइन किया। और अभी मैं जो है जा रही हूँ क्लास के लिए, क्योंकि मैं आज मुझे ईमेल आया हुआ है कि आपने गाड़ी जो है पार्क पूल वाली साइड पे नहीं करनी है, मेन एंट्रेंस पे करनी है, क्योंकि वहाँ कोई कंपटीशन हो रहा है बेसबॉल का। और ये ओपन हुआ है सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसकी वजह से वहाँ जो है कंपटीशन वगैरह भी चल रहे होते हैं और साथ साथ जो है हमारी क्लासेस भी होती हैं। और क्योंकि मैंने अभी सिर्फ स्विम क्लास ज्वाइन की है, होपफुली आगे मैं कुछ और भी स्पोर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट करूं और कुछ बहुत सीखूं, क्योंकि सीखने की तो कोई एज नहीं होती है, चाहे आप स्कूल में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, सीख तो बंदा कभी भी सकता है। तो जी हम स्विम स्कूल के लिए निकल रहे हैं, पर मैंने सोचा कि मैं अभी व्लॉग कंप्लीट कर लूं, क्योंकि जो है ना वहाँ तो मतलब और भी लोग होते हैं, तो सबकी अपनी प्राइवेसी भी होती है और विदाउट परमिशन तो मैं वीडियोज़ में किसी को लेती नहीं हूँ। और इसके अलावा जो है ना आवाज़ का भी बहुत मसला आता है, वहाँ बोलने का इशू है, और फिर वहाँ टाइम टू टाइम मैं पहुँचती हूँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता व्लॉग बनाने के लिए। वहाँ अब तक मैंने सबसे ज़्यादा देखे हैं ब्रिटिश स्कूल के बच्चे, ब्रिटिश स्कूल की तो क्लासेस जॉइंड है, मतलब इनका आपस में ये लिंक्ड है एक्वाटॉट्स के साथ, तो वहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा जो है इंडियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो बहुत हैं उधर, क्योंकि मैंने अभी तक पेरेंट्स को मैंने मतलब इस तरह से देखा है कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे सब सेपरेट ट्रेनर्स के साथ सीख रहे हैं, मतलब फुल फैमिली। तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब वो लोग भी इस चीज़ को नहीं देखते कि भाई, अक्सर लोग सोचते हैं ना कि भाई अब जाके हमने क्या सीखना, ऐसी कोई उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, दे इन्जॉय स्विम। और उनको भी यही लगता है कि आपको लर्न करना चाहिए, जब भी चांस मिले क्यों ना लर्न करें। और सेकेंडली हर चीज़ का ख्याल जो रखा हुआ है, जब आपको हर चीज़ प्लेट में मिल रही है, कम्फर्ट में मिल रही है, आपने फ़ी जमा करानी है एंड देन यू हैव टू ज्वाइन, बस खलास आप ट्रेन हो जाओगे और आप कोई ना कोई चीज़ सीखते हो, वो आपके भले के लिए होती है या फिर आपके अपने एक ग्रूमिंग के लिए होती है। मैंने अमीरा को भी इसी सोच में जो है इसका एडमिशन करवाया, मैंने कहा कि अभी से जो है इसको इसके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि इसने क्लास लेनी है, इसको पता होगा टाइमलाइन का, इसको पता होगा टीचर्स को फॉलो करना है। तो अभी जब इसका जो है हम आगे शुरू करवाएंगे स्कूल, तो पहले से थोड़ी बहुत ट्रेंड होगी। तो ये जब से सुल्तान काबूस कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये सभी के लिए ओपन है, आप किसी भी नेशनैलिटी से हों।
और आप यहाँ काफ़ी सारे जो हैं ये जैसे कि एक्वा टॉट्स हो गया, रियो एकेडमी हो गया, इन लोगों के एकेडमीज़ हैं जो कि आपको ट्रेन करते हैं। इनकी फ़ी है जो आप इनके साइट्स पे जाके जो हैं देख सकते हैं, आपको पूरा गाइड करते हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो हॉर्स राइडिंग भी आजकल बड़े शौक से सीख रहे हैं, और इनके पास ट्रेनर्स, अच्छे ट्रेनर्स हैं, फ़ीमेल ट्रेनर्स भी हैं। तो अब वो वाला जेंडर वाला सिस्टम नहीं रह गया कि स्पेसिफिकली मेल जो हैं वही सीखते हैं स्विम या फिर हॉर्स राइडिंग, नहीं, अब फीमेल ट्रेनर्स भी होती हैं और फीमेल ट्रेनर्स ही ट्रेन करती हैं फीमेल्स को, क्योंकि ओमान में तो वैसे भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। जैसे यहाँ जिम भी जो है सेपरेट होती हैं, फीमेल जिम अलहदा है, मेल जिम सेपरेट है। रिजॉर्ट वगैरह में कंबाइन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फीमेल है यहाँ वो सेपरेट जो है फीमेल जिम ही ज्वाइन। आई फील कि स्विम जो है ना वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है अदर देन वेट लॉस। मतलब ये अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज, वेट लॉस में हेल्प आउट करता है, लेकिन मैं क्या फील करती हूँ कि जब आप, मतलब आप फ़ोन तो इतना खास यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जब आप सीख रहे होते हैं या फिर जो लोग वेट लॉस के लिए भी स्विम कर रहे होते हैं, तो आपका ना एक माइंड रिलैक्सेशन का आपको टाइम मिल जाता है। आप ना मतलब थोड़ा टाइम अपने लिए मतलब स्पेयर कर सकते हैं, कुछ अपने बारे में सोच विचार कर सकते हैं और एक तरह से मेडिटेट हो जाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि हर किसी की अपनी अपनी सोच समझ है। मैं अपना एक आप लोग के साथ व्यू शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने क्वेश्चन ये रखा था इंस्टाग्राम पे, आप लोगों से पूछा था कि व्लॉग कौन सा होना चाहिए। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो है वोट दिया ब्लॉगर करियर का, तो मैंने कहा इस पर मैं डिटेल व्लॉग जो है शेयर करूँगी अच्छी डिटेल्स के साथ कि भाई मैंने कब सोचा और मैंने कब ब्लॉगिंग शुरू की। इतना इस ब्लॉग में मैं बता दूं कि जब मैंने ये अपना फार्मडी जो 5 साल का मेरा मेडिकल का कोर्स था, इस दौरान मैंने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया। मैं जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, मेरे फेसबुक के अकाउंट्स थे, मैं वॉच करती थी, लेकिन मेरे पास वॉच करने को भी टाइम नहीं होता था क्योंकि उसमें मेडिकल स्टडीज़ में आपके पास डिस्ट्रैक्शंस के लिए टाइम ही नहीं होता। आपके पास जो है एक तो पढ़ाई बहुत होती है, सेकेंडली प्रैक्टिकल नोटबुक्स, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, इन्हीं में सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। और जो हम लोग को जो है ना रिलैक्सेशन मिलती थी जब मतलब हमारा ऑफ डेज होते थे, तो हम लोग क्योंकि हॉस्टलाइट थे तो हमें घर जाने की पड़ जाती थी और फिर वहाँ हम लोग को हॉस्टल के लिए जो सामान ख़रीदारी करनी है हमें उसमें सारा वक्त कंज्यूम हो जाता था, तो सेपरेट टाइम नहीं मिलता था। तो मैं ये डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे जो है ना आप लोग सजेस्ट करते रहिए, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि डेली व्लॉग्स में ना माइंड से ये स्किप हो जाता है कि हमें कोई जो है एक इंस्पिरेशन भी देनी है जो अब के बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, हम उस एज से गुजरे हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है। अगर मैं जैसे स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास अकाउंट सारे थे, स्नैप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग, लेकिन मैंने वॉच करना भी मुनासिब नहीं समझती थी। इनफैक्ट बस ये होता था अपनी फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए स्नैप खोल लिया, सेल्फी ले ली, फ़ोन में इतनी सारी सेल्फीज़ बस पड़ी हुई हैं, एक ही सारे जो है ना आपका जो एक साइड पोज होता है, और पाउट तो मैंने कभी इतनी सेल्फीज़ पाउट में ली नहीं है, मेरी ये होती थी। लेकिन ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ आई फील के आप जो है सोशल मीडिया से थोड़ी कतः ताल्लुक ही रखें वो बेहतर रहती है। दिस इज़ वट आई थिंक, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, हर किसी की अपनी सोच समझ है। और दूसरा व्लॉग था मुझे जो सजेस्ट किया गया वो है कि मैंने जो प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम है, जो ये फार्मासिस्ट का लाइसेंसर एग्ज़ाम है, इसके बारे में आप लोग के साथ डिटेल्स डिस्कस करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं मेरे जूनियर्स भी और जो न्यू फार्मासिस्ट हैं वो भी मुझे फॉलो करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। मैंने तो पहले सोचा था फार्माकोलॉजी की भी मैं व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन फार्माकोलॉजी अगर मैंने व्लॉग बनाने शुरू किए तो बाकी सब बोर हो जाएंगे, किसका फ़ोन बज रहा है, मेरा ही फ़ोन बज रहा है। अच्छा, ये अलार्म है स्विम क्लास के लिए, नोटिफिकेशन आ गया है कि भाई आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, तो ये मैंने ही लगाया हुआ है ताकि मुझे जो है मैं बिला वजह टाइम वेस्ट ना करूं। तो मैं उस पर भी डिटेल्स डिस्कस करूंगी। फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने हर फार्मासिस्ट को एक रोल ना होता है, मेडिसिनल भी अच्छे खासा आपको रुला के जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं ना इजी टिप्स एंड ट्रिक्स इनके स्ट्रक्चर याद करने के लिए ना शेयर करूँ, फिर मैंने कहा कि मेरे पास जो है ना जो सपोर्टर्स हैं वो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं
और डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले भी हैं, इनफैक्ट काफ़ी अरब्स भी हैं, उनको तो इवन ये उर्दू हिंदी समझ भी नहीं आती है। तो उनका मुझसे शिकवा यही रहता है कि आप जो हैं उर्दू हिंदी में ही व्लॉग शेयर कर रही हैं, आप इंग्लिश में या फिर अरबिक में क्यों नहीं शेयर कर रही हैं। तो इंग्लिश अरबिक मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश रहती है कि मैं इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, बट फिर जो है वो कोशिश रहेगा हो जाती है। तो मैं साथ साथ जो है अपलोड करती जाऊँगी, और बाकी जो है मुझे इसके ऊपर भी सजेस्ट कीजिएगा। ये जो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप इस पर थोड़ा वर्किंग करें, लेकिन मुझे ना मैंने बाकी सब कुछ तो सर्च किया, कीवर्ड ब्ला ब्ला एवरीथिंग, वो मैंने सब कुछ उस पर ना स्टडीज़ की, पर फिर भी मुझे ना काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता। लॉगरिथम के कहाँ से क्यों कैसे व्यूज़ आते हैं मुझे ये भी पता लगा, कुछ ना व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं बट मेरे पास तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, मैंने ना कोई ज्वाइन किया हुआ जिसके थ्रू आप उसमें शेयर करो तो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं क्योंकि सारे वॉच करते हैं। तो मेरे पास तो आप लोग का सपोर्ट है, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये टिकटॉक, इन्हीं के थ्रू जो है आप लोग की अटेंशन ग्रैब करती हूँ जब मैं ब्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो बेल आइकन तो दबाते ही नहीं, आप भूल जाते हैं बार बार, अभी भी अगर भूल गए तो दबा दीजिए बेल आइकन, ठीक है, ताकि आपको व्लॉग का ना फटाफट से अपडेट मिल जाए करे। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा, अभी मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो जाऊँगी अगर मैं आपसे बातें करती रही तो। यल्ला मा सलामा।